3500 रुपये दो, 1,00,000 रुपये 24 घंटे में लो। हाँसी में करोड़ों रुपए की ठगी होने से जनता बची है, ये बड़ी अपडेट आ रही है जो सिर्फ हरियाणा पोल खोल न्यूज पर आपको दिखाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि विकास नगर हाँसी में एक ऑफिस खोल रखा था, जिसके माध्यम से ग्रामीणों को और शहरी लोगों को यह प्रचार किया गया कि 3500 रुपये जो देगा उसे 24 घंटे के अंदर 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। आपको बता दें कि लोग 1,00,000 के झांसे में आ गए और सैकड़ों की संख्या में लोग विकास नगर में इकट्ठे हो गए, जिसकी भनक हरियाणा पोल खोल न्यूज को लगी और टीम मौके पर पहुंची, पुलिस को बुलाया गया, गुप्तचर विभाग के लोग मौके पर पहुंचे और लोगों ने साफ तौर पर कहा कि वे 3500 के 24 घंटे में 1,00,000 रुपये लेने के लिए आए हैं। बड़ी अपडेट आ रही है जो अब तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको यह बता दें कि पुलिस ने तुरंत ऑफिस को बंद करवा दिया है और मामले की जांच की जा रही है। बड़ा खुलासा, हाँसी की जनता करोड़ों रुपए की ठगी से बची है, लोग ठगते हुए बच चुके हैं। ये बड़ी अपडेट आप तक हम शेयर कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े विकास नगर में, तो देखते हुए आपको बता दें ठगी होने की तैयारी थी, यहाँ ठगी होती होती बची है, मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ काफ़ी संख्या में लोग सुबह से जुटने शुरू हुए थे और 3500 रुपये के 1,00,000 24 घंटे में, ये कौन सा बैंक आ गया, मेरे नहीं कौन सी दुनिया का बैंक आया, यहाँ 24 घंटे में 1,00,000 रुपये करने की बात कही जा रही है। कुछ महिलाएँ भी हैं और ये युवा भी गांव से आए हैं, गांव से पैसे जमा करवाने के लिए आए थे, कहीं ना कहीं इनको भी 1,00,000 मिल जाए। इसके बने कि इनको कुछ डाउट हुआ कि ये ठगी हो सकती है और उसके बाद मीडिया को बुलाया गया और पुलिस कर्मचारियों को बुलाया, पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि पुलिस ऊपर मौके पर है और जानने का प्रयास करेंगे। आखिर सर आप कहाँ से हो? मैं नोएडा खुर्ची हूँ सर। तो आपको कैसे पता चला कितने रुपये? मेरे पास है, यहाँ से गए थे सर, गए थे अनिल सर, वो उन्होंने बताया सर 3500 रुपये जमा करवाओ, 1,00,000 रुपये 24 घंटे के अंदर आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। 24 घंटे में 1,00,000 रुपये देने की बात की जा रही थी। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ। तो मार ठगी? बिल्कुल मार ठगी है सर, ये बोर्ड है, इस पे कोई एड्रेस नहीं है, कोई नंबर नहीं है, अंदर गए बोले पैसे जमा कराओ, आप जाओ, आपका काम हो गया, 24 घंटे के अंदर आपके पैसे आ जाएंगे। सुबह 7 बजे से हमको बेवकूफ बना रखा है सर, सुबह 7 बजे से खड़े हैं यहाँ, सुबह 7 बजे सबके सब, तो सब के लोग यहाँ आ चुके थे। आज करीबन 100 के लगभग यहाँ पे आ चुके थे सर, अभी चले गए हैं 2-3 गांव के, तो अभी भी यहाँ हम मौजूद है। हम देख सकते हैं महिलाएं भी कहीं ना कहीं 3500 के 1,00,000 रुपये लेने के चक्कर में यहाँ महिला भी बैठी है, कहीं ना कहीं उनका अंदेशा हो चुका था ठगी होने वाली है, ठगी होने से महिला बच चुकी है, जो ठगी होने से महिला बच चुकी है। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये महिला बैठी है, 3500 रुपये लेके आई है, कहीं ना कहीं 1,00,000 के चक्कर में ये बच चुकी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ऊपर से पुलिस प्रशासन ऊपर से आ रहा है और देखिए गाड़ी में इनको बिठाया जा रहा है, 2 लेडीज थी ऊपर, उनको लड़कियां, उनको बिठाया जा रहा है गाड़ी में। आपको बता दें ये पुलिस कर्मचारी ऊपर से आए हैं, महिला पुलिस कर्मचारी मौके से ऊपर से आए हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं, बहुत बड़ी जालसाजी, ठगी होने से कहीं ना कहीं पुलिस ने आज लोगों को बचाया है और पुलिस मौके पर पहुंची है और महिला से पूछना चाहेंगे। हाँ जी, 3500 रुपये लेके आए थे आप? लेके आए हैं जी। तो 24 घंटे में 1,00,000 के चक्कर में? हाँ जी। तो 3500 रुपये जमा करवाए नहीं करवाए? कौन करवाए जी, बच गए लूटते हुए? बच गए जी। आप कौन से गांव से हो जी? नौली खुर्द से जी। तो कितने रुपये लेके आए आप जी? 3550। तो जमा करवाए नहीं? नहीं जी, कौन कराया? बच गए लूटते हुए अभी? हाँ जी। ये देखिए महिला यहाँ मौके पर आ, उस साइड भी महिला कुछ थी वो चली गई है, पुलिस के आने के बाद लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग बाग यहाँ आए थे 3500 रुपये जमा करवाने के लिए, 24 घंटे में बताया जा रहा है कि 1,00,000 रुपये देने वाले थे, 1,00,000 रुपये मिलते ना मिलते लेकिन इनके 3500 रुपये जाने वाले थे। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, पुलिस मौके पहुंच चुकी है और जांच की जा रही है मामला आखिर क्या है, किस सिलसिले में, कौन सी कंपनी है, ये कहां से 3500 के 1,00,000 रुपये देने वाली थी। फिलहाल जो अपडेट आ रही है कि एक बड़ी ठगी होने से शहर हाँसी बच चुकी है, कई लाखों करोड़ रुपये हाँसी से बटोरने की तैयारी थी। हरियाणा पोल खोल न्यूज के लिए विकास नगर से ललित भारद्वाज जी, खास रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।